मेरा नाम मोती सर यादव है। मैं बालसदन हायर सेकेंडरी विद्यालय में विज्ञान का शिक्षक हूँ। बच्चों, आज हम सोलर कुकर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो सोलर कुकर है, तो सोलर से तात्पर्य होता है सौर से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करना या भोजन बनाना। तो बच्चों, इसमें जो है ये जो काले रंग का पहाड़ी लेप किया हुआ है, ये आप जानते हैं कि जो काला रंग होता है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए अधिक से अधिक इसकी प्लेटें जो है काले रंग से पुती हुई हैं। इसमें एक दर्पण होता है और इसके पिछली सतह में कलाई की हुई रहती है। जब सूर्य की किरण इस पर पड़ती है तो ये किरण जो है टकरा करके जो भोजन के लिए हम कटोरी यहाँ पर रखे हुए हैं वो जो है धीरे 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 गर्म होने लगती है, और गर्म होते होते जो है भोज्य पदार्थ जो है धीरे धीरे घंटे डेढ़ घंटे दो घंटे में या जैसा तापक्रम रहा उसके आधार पर बन जाता है। इसमें होता क्या है कि सिलिकॉन प्लेट होती है, और सिलिकॉन प्लेट जो होती है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अवशोषित करता है, और ऊर्जा को अवशोषित करके जो है यहाँ से परावर्तित कर देता है। तो परावर्तित होने के बाद जो ये ऊर्जा है, तो जो यहाँ पर प्लेटें हम छोटे छोटे कटोरियाँ रखे हुए हैं उन पर पूरा प्रकाश पड़ता है, और उस प्रकाश के पड़ने से कटोरियाँ गर्म होती हैं, और उसमें रखा हुआ जो भोज्य पदार्थ है धीरे 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 जो है वो गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद पच जाता है, और उस भोज्य पदार्थ को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।